खबर आपको इस बीच हम बता दें नांदेड़ से, जहां से जो जानकारी निकल कर आई है किस तरह से वहां पर भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन साधु शिवाचार्य समेत दो की हत्या की खबर आई है इस वक्त। साधु शिवाचार्य और भगवान शिंदे नाम के दो साधु जिनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, ये एक बड़ी जानकारी। हत्या के बाद गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे हमलावर। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक खबर है, साधु शिवाचार्य और भगवान शिंदे नाम के व्यक्ति की बाथरूम में लाश मिली, दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। और हत्या के बाद गाड़ी लेकर भागने की फिराक में बदमाश। हालांकि जो जानकारी अब क्या इसके पीछे वजह रही, क्या ये लूटपाट का मामला है, आपसी रंजिश है या फिर कुछ और, ये हालांकि अभी जांच का विषय है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन फिलहाल दो साधुओं की हत्या से एक बार फिर से सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि पालघर का मामला कोई नहीं भूला, जिसके बाद से लगातार अब इस तरह की घटना महाराष्ट्र में कई सवाल खड़े करती है। सतीश मोहिते सहयोगी मेरे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश, ये पूरा मामला क्या है और जांच कहां तक पहुंची है, जो भी डिटेल है साझा कीजिए। ये जो घटना है वो नांदेड़ के नागठाना गांव में की घटना है। नागठाना गांव में निर्वाण मठ है, उस मठ के जो मठाधिपति है शिवाचार्य निर्वाण रुद्र महाराज, इनकी कल देर रात में कुछ अज्ञात आरोपी ने हत्या की है। और हत्या करने के बाद जो आरोपी है वो महाराज की ही गाड़ी लेकर फरार भी हो रहे थे, लेकिन गांव वालों को कुछ इस बारे में खबर मिली और जब गांव के लोग इस मठ की तरफ भागे, तब ये जो अज्ञात आरोपी है वो गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गए। शिवाचार्य महाराज की हत्या करने के पहले उनके जो एक शिष्य है भगवान शिंदे, उनकी भी हत्या की गई ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। लेकिन पुलिस की जांच में अभी तक जो पता चला है उससे कुछ मठ में के जो जेवरात है, कुछ सोना है और कुछ पैसे भी वहां से गायब हुए हैं, तो ये जो हत्या है लूटपाट के इरादे से की गई है ऐसी जानकारी फिलहाल तो पुलिस दे रही है। लेकिन पुलिस अधिक तफ्तीश के बाद ही किस वजह से ये हत्या हुई है इस बारे में पता चलेगा। और अभी अगर बात की जाए पुलिस की तफ्तीश की, तो वह कहां तक पहुंची है सतीश? अभी जो गांव वाले जो है जो पुलिस को मालूमात दे रहे हैं, उनके गांव वालों का कहना है कि गांव में ही एक क्रिमिनल टाइप का एक आदमी था, उन पर गांव वालों का शक है और इसी आदमी ने लूटपाट के इरादे से ही ये दो हत्याएं अंजाम दी गई है। पुलिस भी इस बारे में जांच कर रही है। जो आरोपी है लिंगाड़े नामक, उस पर गांव वालों का शक है, वो लिंगाड़े को पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सतीश, सारी जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन हत्या के बाद गाड़ी लेकर भागने की फिराक में थे, हालांकि गांव वालों ने जो बताया है जांच में पुलिस को, उसके मुताबिक एक व्यक्ति पर संदेह किया गया है। लेकिन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या था। हालांकि इसका जो भी प्राथमिक एंगल है वो लूटपाट कहा जा रहा है, जिसके चलते इन दोनों साधुओं की हत्या की गई। अभी दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको पालघर का वो मंजर याद होगा जब कितनी बर्बरता के साथ साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, आज सामने आना, मंदिर में इससे पहले एक और साधु को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब ये दो जो साधु हैं इनकी हत्या के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं और फिर वहां से भागने में भी सफल हो जाते हैं, कि आखिर संत सुरक्षित क्यों नहीं है उद्धव राज में। अब ये सवाल उठने लगा है क्योंकि महाराष्ट्र में संतों के खिलाफ साजिश की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पालघर का मामला सामने आने के बाद से सरकार सवालों के घेरे में रही, पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रही, और अब महाराष्ट्र के ही नांदेड़ से ये तस्वीरें जो निकल कर आई हैं, दो साधु संतों की हत्या के बाद ये सवाल और गंभीर हो गया है कि क्या अब संत सुरक्षित नहीं है उद्धव राज में। पहले पालघर में साधुओं की हत्या और अब नांदेड़ में साधुओं को निशाना बनाया गया, आखिर क्यों बदमाश इतने बेखौफ हैं और क्यों टारगेट किया जा रहा है साधुओं को, क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, ये अभी समझ से परे है। हालांकि इस पूरी मामले की जांच में जुट चुकी है पुलिस, अभी साफ नहीं हो पाया है हालांकि क्या इसके पीछे कारण रहे, लेकिन गांव वालों ने एक व्यक्ति पर जो संदेह जताया है उसके बाद से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये उम्मीद की जा रही है पुलिस के मुताबिक कि जल्दी इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन दो तस्वीरें जो दिल को विचलित भी कर सकती हैं, पहली तस्वीर पालघर की आपको याद होगी, कितनी बर्बरता से भीड़ ने दो साधुओं को मौत के घाट उतार दिया था उनके ड्राइवर समेत, और अब ये नांदेड़ का मामला, तो ये सवाल इसलिए है कि क्या अब बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो मंदिर में पुजारियों को, साधु संतों को टारगेट करना उनके लिए इजी हो गया है,
क्या उन्हें ये लगता है कि अगर चोरी चकारी का मामला भी है तो फिर हत्या कर देना इतनी बर्बरता से? जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नांदेड़ वाले मामले में दोनों साधुओं के शव बाथरूम के बाहर मिले। अंकुर त्यागी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। अंकुर, ये क्या जो तस्वीरें निकल कर आई हैं ये अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। आपके पास पहले इस पूरे मामले से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो साझा कीजिए। देखिए, जो एक साधु हैं जिनका नाम निर्वाण पशुपति महाराज है, वो लिंगायत समाज से आते हैं, वहां पर रह के पूजा पाठ कर रहे थे, काफी साल से वहां रह रहे थे और गांव में उनका अपना एक प्रभुत्व था। और जो रात को, जिस तरह से शनिवार की रात को, देर रात को ये घटना सामने आई है, और जब ये जो अपराधी है, जो आरोपी है, जब वो भागने लगा तो आसपास के जो लोग थे, गांव वाले थे, वो जाग गए। उन्होंने पीछा करने की भी कोशिश करी लेकिन वो जो आरोपी था वो भागने में कामयाब हो गया है। और अब मामले को लेकर अब सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता हैं अशोक चव्हाण, उन्होंने अपने तौर पे साफ कहा है राज्य सरकार से कि इस मामले की गंभीरता से एक बड़े उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो फिलहाल जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है वो फिलहाल जो आरोपी है उसको पकड़ने की फिलहाल कोशिश कर रही है। और बताया जा रहा है जो व्यक्ति है आरोपी वो उसी गांव का रहने वाला एक पेटी क्राइम से जुड़ा हुआ एक शख्स है। अंकुर, क्या पुलिस ने मामला चोरी का मानकर जांच शुरू कर दी है? देखिए, थ्योरी पुलिस की साफ है, जैसे कि जिन लोगों ने उस वक्त उस आरोपी को भागते हुए देखा उन सबके स्टेटमेंट्स इस वक्त फिलहाल लिए जा रहे हैं। और इसके बाद एक इन दोनों जो साधु हैं उनकी हत्या का मामला लिया गया है। अभी फिलहाल किसी शख्स का नाम नहीं लिया गया है, अनजान व्यक्ति के नाम से पूरा मामला यहां पे दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस की जो धुरी है वो उस शख्स के आसपास आती है जिसको कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई करने की बात कही है। पुलिस उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर रही है और एक बार वेरिफिकेशन के बाद उस आरोपी का नाम अपनी बुक्स में दर्ज किया जाएगा। अंकुर, ये बहुत सरल हो गया है। इससे पहले जब हमने देखा था पालघर की तस्वीरें देखी तो दिल को दहला देने वाली तस्वीरें थी, कितने सॉफ्टली टारगेट किया गया साधु संतों को। उसके बाद फिर खबर आई कि मंदिर में एक साधु की हत्या कर दी गई, वो भी चोरी का मामला था, चोरी के इरादे से बदमाश घुसे थे, और यहां पर भी यही मामला सामने आ रहा है। तो ये अगर हम इस चेन को देखें, लगातार इस कंसिस्टेंसी को देखें, तो सवाल उठना लाजमी है कि उद्धव राज में क्या संत अब सुरक्षित नहीं रहे? देखिए, आपको याद होगा जब पालघर की घटना हुई थी तब खुद योगी आदित्यनाथ, जो खुद अपने आप में एक साधु हैं, उन्होंने खुद ने इसी विषय पर उद्धव ठाकरे से फोन पे बात करी थी और कहा था कि जो साधु संतों की सुरक्षा को लेकर खास तौर पे कोताही बरती जाए। ये पालघर की घटना के बाद की हुई आगे की घटना थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह से मामले सामने आए हैं वो राज्य नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।